विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा छठी विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ पाँच की शुरुआत करेंगे। चलिए पाठ पाँच देखिए। यहाँ पे आपको पदार्थों का पृथक्करण, हम पदार्थों को किस तरीके से पृथक्करण मतलब अलग अलग करते, पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना। अब आप देखिए, हमने आगे के पाठ में पढ़ा था कि कई वस्तुओं को हम अलग अलग करते, जो गोल दिखती है, चौकोर दिखती है, अलग अलग आकार की दिखती है। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्ती को द्रव से चालनी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। उदाहरण के रूप में क्या बोला, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय के साथ क्या होता है, जो चाय की पत्ती होती है उसको हम अलग करते हैं, तो वो एक पृथक्करण का उदाहरण कहलाता है। चलिए आगे देखिए। फसल कटाई के पश्चात अनाज के भूसे को पृथक करते हैं। माखन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जो चित्र 5.2 जैसे कि हमने अध्ययन 3 में सीखा था। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं, उसी तरीके से उदाहरण दिया। जिस तरीके से दूध में से दूध या दही मक्खन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध और दही का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, बीजों को अलग करते हैं। फसल की कटाई के समय अनाज के भूसे को पृथक करते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल, तो वो भी एक तरीके का पृथक्करण कहलाता है। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे। अब आपको इनमें से बोला है कि नहीं, आपको इनको पृथक करना है, तो आप पृथक किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए आप एक ही प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे, क्या यह सही है, तो क्या यह करना सही होगा। हाँ, चलिए देखिए। दूध दही मंथन करके मक्खन निकाला इस प्रकार से जाता है। आप देखते होंगे आपके गांव में किस तरीके से मक्खन निकाला जाता है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत ही छोटे हो, उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए, यदि आप रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो वो मिश्रित से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करना की सोचना भी असंभव है। बिल्कुल सही है कि यह करना एकदम असंभव हो जाता है। चलिए पहली क्या जानना चाहती है, परंतु पहली ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थ को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। चलिए क्रियाकलाप एक, सारणी 5.1 में कॉलम एक में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंग को कॉलम 2 तथा 3 में दिए गए, तथापि कॉलम 2 और 3 में दी गई सूची अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक, चलिए हमें यहाँ पर एक कॉलम दर्शाया गया है जिसमें हमें यह बताना है। सारणी 5.1, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। प्रक्रम, पृथक्करण प्रक्रम, पृथक्करण करते हैं, पृथक्करण अवयव का क्या करते हैं। चावल से पत्थर अलग करना, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थ का पृथक करना। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, मतलब जो पत्थर है उसको हम फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, अनुपयोगी अवयव को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्ती से, चाय से पत्ती अलग करना, तो हानिकारक अवयव अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयव का उपयोग कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो चाय की पत्ती है और चाय वो हमारे लिए उपयोगी, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आगे प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथुकृत अवयव के उपयोग के ढंग से मिला कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसे मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता
होती है। अब हमें क्या बताया गया है कि जिस तरह से अनुपयोगी पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं, कभी कभी उपयोगी पदार्थ को भी हमें पृथक मतलब अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ की तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव्य, गैस से कोई भी हो सकता है। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थ के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्म अत्यधिक भिन्नता होती है। अब हमें तीन पदार्थ बताए गए हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इनको हम पृथक किस प्रकार से करेंगे, तो हमें इनके गुणधर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जितने भी इनके गुणधर्म है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसका पृथक्करण किस तरीके से करेंगे, इसको अलग किस तरीके से करेंगे, हमें यह जानना है। 5.1 पृथक्करण की विधियाँ। अब पृथक्करण की विधियाँ हमें यहाँ पर दर्शाई है। अब हम पदार्थों के पृथक्करण के कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलाप में किया होगा। हस्तचयन क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण है। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दाल से कुछ बड़े मिट्टी के कणों तथा पत्थरों तथा भूसों को पृथककरण करने के लिए किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्र प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पृथक को पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि है। अब क्या किया जाता है, हस्तचयन मतलब हाथों के द्वारा, जैसे गेहूं के अंदर हम देख सकते हैं कि भूसा, कंकड़, पत्थर जो भी होता है, तो उन्हें अलग करने की प्रक्रिया को हस्तचयन की विधि कहलाता है। जैसे दाल चावल में से हम लोग हस्तचयन करते हैं ना, उसी तरीके की विधि कहलाता है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र दर्शाया गया है। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग अर्थात क्या, आपने खेत अथवा खलिहालों में गेहूं, चावल की सूखी डंडियों के गठर देखे होंगे। तो आपने गेहूं, चावल के गठर देखे होंगे ना। थ्रेसिंग, पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गड्ढों पर अन्न कणों की संख्या कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों के सूखे पौधे के इतने गड्ढों से अनाज को कैसे पृथक करते होंगे। चलिए, आम तथा अमरूद को कक्षा वृक्षों से तोड़ा जाता सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत ही छोटे होते, इसीलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जा सकता है, सूखे पौधे की डंडियों को अन्न कण अथवा अनाज से पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। अब थ्रेसिंग का मतलब अर्थात क्या हो गया कि जो थ्रेसिंग आपको यहाँ पे बताया गया है, तो जो अन्न कण होते हैं, ये छोटे छोटे अन्न कण को, इनकी प्रक्रिया को अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं। चलिए आगे, इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी ये कार्य किसके सहायता से, बैलों की सहायता से भी किया जाता है, और कभी कभी हम उसकी मशीनों का उपयोग भी करते हैं। चलिए देखें यहाँ पे आपको थ्रेसिंग का चित्र बताया हुआ, इस तरीके से उन्हें अलग करने का प्रयास होता है। चलिए अब आगे, प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखे मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयव को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयव के कणों के अमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयव को पृथक करना संभव है? तो क्या आप इनको आसानी से पृथक कर सकते हो? चलिए आगे, अब आप इन मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए और मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रख दीजिए। जिससे प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा, उसे फकड़कर हवा में
कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगे। अब आप देखिए कि अगर आपको जैसे गेहूं में से भूसा अलग करना है तो हम थोड़े ऊंचे स्थान पे चले जाएंगे और उसको ऐसे नीचे की ओर करेंगे तो जो भारी चीज़ होगी मतलब गेहूं होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और भूसा जो होगा तो नीचे की ओर निकल जाएगा। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर चला जाता है? वायु द्वारा मिश्रण के दानों को अवयव को पृथक में सफलता मिली। किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों को पृथक करने के लिए करता है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिखाया जा रहा है, ये निष्पावन की विधि कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे। भूसे के हल्के कणों को पवन के साथ उड़ाकर एकत्रित होकर जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेरा बना लेते। अलग हुए भूसों को पशुओं के चारे सहित अन्य प्रयोजन में उपयोग में लिया जा सकता है, मतलब चारे में हम उपयोग में ले सकते हैं। चलिए आगे। चालन, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने के लिए इच्छा होती है, हमें इसी उपस्थित चोकोर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, तब हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम चालनी यानी छन्नी का उपयोग कर सकते हैं जिस उसमें आटा डालते हैं, जो चित्र 5.6 में दिखाया हुआ है। देखिए अब आगे। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते जबकि बड़े कण अशुद्धियों द्वारा चालनी में रह जाते। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक छिद्र चालनी पर डाला जाता है। चालनी द्वारा पत्थर डंडियों भूसा निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं तो दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थान पर रेत कंकड़ तथा पत्थर पृथक करते के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। देखिए इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। चलिए क्रियाकलाप चार। क्रियाकलाप चार बताया, कक्षा में एक चालनी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालनी द्वारा अशुद्धि पृथक करना। अब चालक का पाउडर बनाए तथा उसको आटे के साथ मिलाए। इस मिश्रण का चालन, क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटों को पृथककरण कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग करके मिश्रण दो अवयव जिनकी अमापों के अंतर हो सके पृथक करने में किया जाता है। चलिए आगे। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल धुल के मिट्टी हल्के कण हो सकते। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को पृथक करते हैं। प्रायः पकाने से पहले चावल तथा दाल धोया जाता है। जब आप चावल और दाल में से जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल कण पृथक की अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों, क्या आपने देखा है? तो क्या हो जाएगा, कौन डूबेगा? बर्तन थोड़ा सा टेढ़ा कर जल को बाहर की ओर गिराने का प्रयास कीजिए। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव नीचे की तली में बैठ जाते हैं और अवसादन कहलाते हैं। भारी अवयव कहाँ चले जाते हैं? नीचे की ओर चले जाते हैं। अवसदित मिश्रण को बनाए बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपको बता रही हूँ, निस्तारण, निस्यंदन, अवसदन, तो ये जितने भी है ये आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें से अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। चलिए आगे। देखिए यहाँ पर
यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों को मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जा सकता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल मिश्रण इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव में से मिश्रण को कुछ समय में रखा जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बट जाते। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत को निस्तारण पृथक द्वारा कर सकता है। चलिए आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्ती को पृथक के लिए करते हैं। अक्सर आप छालनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण की विधि का उपयोग करके इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्ती अब चलिए भी मिलती है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या आप चाय की सारी पत्तियों छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम को फिल्टर करना कहा जाता है। अब सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना, निस्तरण या निस्यंदन की विधि। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले कुछ उदाहरण के विचार कर सकते। क्या हम सभी हर समय के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नालों गंदा जल प्राप्त होता है। तालाब तथा नदियों में एकत्रित किया जल पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। तो बरसात के बाद जो जल हमें मिलता है। आइए अब हम यह देखते हैं कि हम पृथक्करण विधियों जल से मिट्टी जैसे अविलय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5। तालाब या नदी में पंकिल जल लीजिए। यदि एक मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ा मिट्टी मिला दीजिए और एक आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। जल का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए और इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उडेलिए। चित्र 5.8। आप क्या प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल भी पंकिल अथवा भूरे रंग का हो गया? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़ों के टुकड़ों को बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र रंधों कपड़ों के इन्हीं छिद्रों द्वारा निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पात्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं जिसमें से छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पात्र द्वारा निस्यंदित होता है जिससे अत्यंत सूक्ष्मजीव छिद्रित होते हैं। जो चित्र 5.9 में फिल्टर पात्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न दर्शाए गए। फिल्टर पात्र में शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पात्र के ऊपर उड़ेल दिया जाता है। मिश्रण के ठोस कंठ इसके छिद्रों से नहीं गुजार पाते, फिल्टर पात्र पर ही रह जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये चित्र बताया हुआ, इस तरीके से आपको करना है। ये आपका क्रियाकलाप भी है। साधारणतः फल तथा सब्जी के रसों को पानी से पहले उनके बीजों से ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदित विधि का उपयोग घरों पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले नींबू का रस मिला दिया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव मिश्रण प्राप्त होते हैं। पनीर को इस मिश्रण में कपड़े या छन्नी से करके पृथक किया जाता है। ठीक है, अब आगे।